राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, वीरता, त्याग और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह स्मारक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि का भी परिचायक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। ये बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट। These are live pictures of the National War Memorial, which in its entirety is spread across 40 acres at the Sea Hexagon at India Gate. At the top of the obelisk, our national emblem reaching out towards the heavens, as it were. And this is the Prime Minister's motorcade now, heading in the direction of the National War Memorial, where he'll lead the nation in paying homage to the unknown soldier. At the base of the obelisk, the eternal flame burns brightly. The buglers there are already in position. After the Prime Minister lays the wreath, they'll be sounding the last post. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर गणतंत्र दिवस के इस पावन मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन करेंगे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय समर स्मारक पर उपस्थित वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावने, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय समर स्मारक जिस पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले वर्ष 25 फरवरी को लौ प्रज्वलित की थी, अभिवादन स्वीकार करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर प्रस्थान, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ।
Prime Minister Narendra Modi here now for this very solemn ceremony of remembrance and gratitude. These are moments when the nation unites to honor all those who made the ultimate sacrifice. In their memory, a flame burns, symbolizing a sacred immortality. Agni, the god of fire, is also the divine messenger of the gods between different worlds, bridging humankind and heavenly orders. In the Amar Chakra, conceived as the circle of immortality, burns the flame. On the outer periphery is a gallery conceived as the circle of bravery, Virta Chakra, which